नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक ऐसा अद्भुत वशीकरण, टॉयलेट में किया गया नमक का यह प्रयोग आपको आपके प्रेम, आपके दाम्पत्य जीवन, आपकी शादीशुदा जिंदगी में दिलाएगा अपार सफलता। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, आप उसके साथ विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, आप एक तरफा प्यार कर बैठे हैं, सामने वाले को नहीं पड़ी है आपकी, ना सोचता है, ना सुनना चाहता है आपके बारे में, ना ही उतना अच्छे से पहचानता है आपको, और आपके मन में प्रेम का फूल खिल चुका है, तब यह प्रयोग सामने वाले के हृदय में जगाएगा आपके प्रति प्रेम। यदि आप शादीशुदा हैं और आपका पति स्वयं आपकी पत्नी नहीं बंध रही है आपके प्रेम में, आप कुछ चाहते हैं, वह कुछ करती है, अर्थात आपके हृदय की बात उसके हृदय तक नहीं पहुंच पा रही। जब प्यार अपने कंट्रोल से बाहर हो जाए, अर्थात आप जो चाहते हैं सामने वाला वो ना चाहता हो, आप सच्चे हृदय से किसी से प्रेम करते हैं परंतु उसके मन में प्रेम तो दूर की बात है, उसके लिए उसके मन में कोई भावना ही नहीं है आपके लिए, वो बिल्कुल प्रेम नहीं करता है या वो अन्य किसी और से प्रेम करता है, यह वशीकरण उस पर भी कार्य करेगा। जो किसी अन्य से प्रेम करता है उससे टूट जाएगा उसका प्रेम, उसका मोह टूट जाएगा और वो आपकी ओर आकर्षित होगा। ध्यान रखें, कोई भी नकारात्मक विचार अपने मन में लेकर इस वशीकरण को करने का प्रयास ना करें। किसी और की पत्नी की शादी टूट जाए, वह आपसे शादी कर ले, या किसी की प्रेमिका आपकी प्रेमिका बन जाए, दोनों के बीच प्रेम सामंजस्य हो और वह टूट जाए, इस तरह की नकारात्मक बातें यदि विचार आपके मन में हो तो यह वशीकरण ना करें, क्योंकि यह नमक का वशीकरण है। नमक का वशीकरण बहुत मजबूत वशीकरण होता है, बहुत जल्दी असर दिखाने वाला होता है। वहीं यदि नकारात्मक ख्याल रखकर नमक का वशीकरण गलत तरीके से किया जाए तो इसकी दंड भी मनुष्य को झेलनी पड़ती है। इसीलिए हमेशा पवित्र रखें, अपने मन को शांत रखें और सही विचार के साथ, सही इंटेंशन के साथ किसी वशीकरण को करें। आप किसी को जानते हैं, किसी को चाहते हैं, आप उसे अपना बनाना चाहते हैं, आप उसके साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंधना चाहते हैं, या आप लोगों का विवाह हो चुका है और आपका पति बिल्कुल आपकी ओर देखता नहीं है, पसंद नहीं करता, सड़क में, रोज बाजार में, कहीं भी आपको बेइज्जत कर देता है, गलत बातें बोल देता है, आपके मायके वालों के सामने आपका अपमान करता है, तो यह प्रयोग आपके पति के हृदय में आपके लिए प्रेम, सामंजस्य और सम्मान उत्पन्न करेगा। उसके मन में जो भी गलत विचार, नकारात्मक विचारधारा फैल गई है आपके बारे में, या आपकी सास या कोई ऐसा कपटी मित्र हो जिसे आप लोगों का सुख प्यार नहीं देखा जा रहा, वह गलत बातें भर रहा है उसके मस्तिष्क में, तो ऐसी परिस्थिति में उसका मस्तिष्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वह खींचा चला आएगा। नमक जो है वह रंग से भी और अपनी प्रवृत्ति से भी साक्षात शुक्र होता है। नमक शनि का भी दूसरा रूप होता है, इसीलिए यह जो नमक का प्रयोग है, यह जो वशीकरण है, यह अद्भुत होगा। टॉयलेट में किया जाने वाला यह प्रयोग, टॉयलेट जो रूम होता है उसका स्वामी शनि होता है और साक्षात टॉयलेट एक शुक्र होता है। यदि टॉयलेट की अवस्था आप सुधार दें तो आपका दाम्पत्य जीवन सुधर जाएगा। यहाँ ध्यान देने की बातें हैं कि मैं दो ग्रहों की बात कर रही हूँ। यह बात कर रही हूँ शुक्र की, जो घर बसाता है, यह बात हो रही है बिगड़े हुए शनि की, जो रिश्ते को तोड़ता है, जो दाम्पत्य जीवन में खलबली मचाता है, झगड़े होते हैं, बहस होती है, रिश्ता टूटता है, तलाक होता है, एक दूसरे पर थप्पड़ चलते हैं, यह सब शनि करवाता है। वहीं जहाँ आप एक दूसरे से जुड़ गए हैं, प्रेम है, संतान सुख है, लग्जरी है, धन है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, यह शुक्र है, तो यहाँ दो ग्रहों का समावेश हमें कराना है। हम शुक्र और शनि को लेकर चलेंगे। टॉयलेट में किया गया यह प्रयोग आपको समस्त बाधाओं से मुक्ति देगा, आपको हर तरफ से सुख और सुविधाएं देगा, आपका प्रेम आकर्षित होगा आपकी ओर और आपको भरपूर दाम्पत्य सुख मिलेगा। और यदि आपकी कोई प्रेमिका नहीं बन रही है, ऐसे कोई पुरुष भाई है जिसकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं, अर्थात कोई महिला मित्र नहीं है, लड़की आकर्षित नहीं हो रही है आपकी ओर, तब भी यदि आप यह प्रयोग करते हैं तो 100% आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी, आप
महिला आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ध्यान से सुनिए, संपूर्ण विधि को समझ लीजिए और समझ कर ही यह करें, बेहतर परिणाम होगा, 100% साक्षी है ये। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यह प्रयोग 2 दिन लगातार आपको करने हैं, शुक्रवार और शनिवार। सफाई का बहुत ध्यान रखें, महिला करें तो पीरियड्स के दिनों में ना करें, हेयर वॉश के बाद ही करें। पुरुष करें इस दिन प्रथम स्नान आदि करके स्वच्छ सफ़ेद कपड़े पहने, शुक्रवार के दिन स्वच्छ सफ़ेद कपड़े पहने। जैसे पूजा पाठ आप करते हैं, माथे पर तिलक लगाएं, दिन बिताएं, नॉनवेज ना खाएं। आज आप मांस मछली नहीं खाएंगे और शनिवार को भी नहीं खाएंगे, दोनों दिन नहीं खाएंगे। सुबह से अपने शुक्र को जगा कर रखें, हृदय में प्रसन्नता रखें, सज धज कर रहें। लड़का हो या लड़की, अपने रूप को सवार कर रखें, इत्र का प्रयोग करें, पाउडर, लिपस्टिक, काजल, बिंदी, जो महिलाएं कर सकती हैं करें, पुरुष जो श्रृंगार कर सकते हैं करें, अर्थात मुस्कुराएं, अपने शुक्र को ऊर्जावान बनाएं। रात्रि के समय जब सोने के लिए सब चले जाते हैं, मन भी शांत हो जाता है और वातावरण भी शांत हो जाता है, तब दोनों हाथ से भर कर एक मुट्ठी नमक उठाएं, अर्थात ज़्यादा सारा नमक एक प्लेट पर रख दें, किसी थाली में रख दें, और आपको ऐसे दोनों हाथ, जैसे तस्वीर में दिखाई गई है, ऐसे दोनों हाथ भरकर नमक उठाएं, और इतना नमक आप एक न्यूज़पेपर पर रख दें, बस इतना नमक जितना आप उठा सकते हैं एक बार में, अच्छे से गिरा लें, जो गिरता है गिरने दें, अब इतना नमक आप रख लें। एक सफ़ेद रंग के कागज़ की पुड़िया बनाएं, छोटी सी टुकड़ा लें, उसमें आप अपना और अपने लव पार्टनर का नाम प्लस का चिन्ह देकर लिख दें। ब्लू पेन, लाल पेन, हरा पेन लिख सकते हैं, लेकिन काले कलम से ना लिखें। पहले आप अपना नाम लिखें, प्लस का चिन्ह दें और अपने पार्टनर का नाम लिखें। एक सीधी लाइन में भी लिख सकते हैं, ऊपर और नीचे भी लिख सकते हैं, बीच में प्लस दे देंगे। आप इस चिट को मोड़ लें, पूरब की दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाएं। नमक जिस पेपर पे आपने रखा उस पेपर को अपने सामने रखें, भूल कर भी आसन न लगाएं। आप अपने बेडरूम में ही बैठ जाएं, पर जमीन में बैठें। इस चिट को अपने दाहिने हाथ में रखें, एक मंत्र बता रही हूँ। इस मंत्र को आपको 111 बार, 108 बार नहीं है, यह मंत्र आपको 111 बार जप करना है, चिट को हाथ में लेकर। मंत्र ध्यान से सुने, ओम अमुक वक्ष, नून वक्ष, लोक फट स्वाहा। इस मंत्र में जहाँ अमुक कहा गया है, वहाँ अपने पार्टनर का नाम ले। आप इस मंत्र को 111 बार हाथों में रखकर जप करें और अपने पार्टनर का चेहरा देखने की कोशिश करें, उसकी अनुभूति करें। ऐसा करने के बाद नमक की ढेर में ही इस चिट को आप डाल दें और संपूर्ण नमक को ले जाकर टॉयलेट में डाल दें, फ्लश आउट कर दें। उसके बाद आप हाथ पैर अच्छे से धो लें, अपने ऊपर थोड़ा जल छीट लें, फिर आप पानी पी के सो सकते हैं। यह प्रयोग आपको शुक्रवार की रात्रि को भी और शनिवार की रात्रि को भी करनी है, परंतु नियमित समय पर। यदि 9 बजे रात को आज आपने किया, तो कल भी 9 बजे रात को ही करना है। आप केवल 2 दिन यह प्रयोग करें, केवल 2 दिन ही करें, और देखें क्या असर होता है। सामने वाला खींचा चला आएगा आपकी ओर, जो रूठ गया हो बरसों से, जो प्यार आपके पास नहीं आया हो, वह रूठा हुआ प्यार भी खींच जाएगा, उसके हृदय में प्रेम का दिया जलेगा आपके लिए, और वह बिल्कुल जैसे चुंबक और लोहा एक दूसरे को आकर्षित करता है ना, वैसे आप आकर्षित कर पाएंगे अपने प्रेम को। अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।